रत्न विभूषितम मृगमदामोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्ररचितम पुष्पम च धूपम तथा। जल लेकर के शिव जी को स्नान करा रहे हैं। तो मानसिक यानी मन में अर्चन की भावना रखते हुए और विविध सामग्रियों से ठाकुर जी की अर्चना करना। तो मन से तो हम उत्तमोत्तम वस्तुओं को श्री ठाकुर के समर्पित कर सकें और वाकुं वह स्वीकार करें। या के उदाहरण के रूप में श्री जीव गोस्वामी जी ने एक ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा लिखी। क्रम संदर्भ में भी है और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने भी सारार्थ दर्शनी में लिखी। श्री वंशीधर जी ने भी इस कथा को लिखा, यानी सभी आचार्यों ने इस कथा को लिखा है जहाँ ये भक्ति का निरूपण किया गया। प्रतिष्ठानपुर नाम का एक नगर था, वहां पर कोई ब्राह्मण रहता था। बेचारा निर्धन था, उसके पास कुछ नहीं था। मन में अभिलाषा थी कि ठाकुर जी की अर्चना करूं, पर कोई वस्तु है ही ना है तो अर्चना कैसे की जाए। कहीं कोई वैष्णव कथा कह रहे थे तो कथा में वह मानसिक अर्चना की महिमा बता रहे थे कि वैष्णव धर्म मन से भी किया जाए तो वह सिद्ध हो जाता है। उन ब्राह्मण देवता ने यह बात सुनी और दृढ़ता से उनको विश्वास हो गया कि वैष्णव धर्म मन से भावना कर लेने मात्र से सिद्ध हो जाता है। अब तो घर आए और प्रतिदिन मन से प्रभु की अर्चना उन्होंने आरंभ कर दी। वाह्य कोई सामग्री उनके पास में नहीं है, मन से ध्यान में अवस्थित होकर बैठ जाते, चिंतन करते। श्री ठाकुर जी का सुंदर विग्रह है, सुंदर गंगा जल से श्री ठाकुर जी के विग्रह का स्नान कराया है, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराए हैं, सुंदर चंदन का लेपन किया है, बड़े उत्तम पुष्पों से ग्रथित माला धारण कराई है श्री ठाकुर जी को, बड़े ही उत्तमोत्तम आभूषण ठाकुर जी को धारण कराए हैं। सुंदर स्वर्णमय थाल में, स्वर्ण के पात्र में अनेकानेक व्यंजन भोग के लिए निवेदित किए हैं। यह क्रम उनका प्रतिदिन चलता रहता था मानसिक सेवा का। शनै शनै उनको इसमें रस की अनुभूति भी होने लग गई, आनंद भी आने लग गया। एक दिन मानसी भोग में, मानसी अर्चन में, वह ब्राह्मण देवता खीर को भोग लगा रहे थे। ध्यान कर रहे हैं कि ठाकुर जी को स्नान करा के, वस्त्र आभूषण धारण करा के श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, अब उनके लिए मैं भोग ले जा रहा हूँ। सुंदर खीर बनाई है गैया के दूध से और उसको श्री ठाकुर जी के भोग के लिए ले जा रहे हैं। तो पात्र कुछ गर्म लगा तो मन में संदेह हुआ, या खीर कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है। तो मानसी भाव में ही उन्होंने उंगली डाल करके देखा खीर के पात्र में, तो खीर गर्म थी, उनकी उंगली जल गई। उंगली जल गई और उनको इस बात का कष्ट हुआ कि अरे यह भोग श्री ठाकुर जी के योग्य नहीं रहा, क्योंकि यह दूषित तो हो गया, इसमें मैंने उंगली डाल दी, मेरे उंगली डालने से दूषित हो गया। तो इसे कष्ट से, यह कष्ट हुआ, उनका ध्यान टूट गया। तो जब वाह्यानुसंधान हुआ तो यह सब जो लीला चल रही थी यह मानस अर्चन में लीला चल रही थी, लेकिन जब बाह्यानुसंधान हुआ, बाहर देखा, तो उनकी उंगली में फफोला पड़ गया था। मानस अर्चन में उन्होंने श्री ठाकुर जी को खीर समर्पित की थी और मानस अर्चन में उन्होंने खीर में उंगली डाल करके देखा था,
लेकिन उसका बाहर प्रभाव जैसे वाय्यानुसंधान हुआ, बाहर देखा तो उंगली में फफोला पड़ गया। ठाकुर जी धाम में बैठे बैठे हंस रहे थे, बोले देखो या भक्त की लीला। लक्ष्मी जी ने पूछी, महाराज एकाएक हंसवे को कारण कहा है? ठाकुर ने कही अवै बताऊं, और अपने पार्षद भेजे वह भक्त को अपने धाम में बुलाए के वहां की उंगली दिखाई, बोले देखो। तो यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण की है और सभी आचार्य ने लिखी है, जीव गोस्वामी जी ने, चक्रवर्ती पाद जी ने। तो भक्ति का पंचम अंग है अर्चन। ठाकुर जी ने सामर्थ्य दी है तो वाके अनुरूप सेवा करो। सामर्थ्य दी है और हम वहां बचाव कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, तो उसको वित्त साठ्य दोष कहा गया है। अपने शरीर के लिए, शरीर के संबंधियों के लिए लोग खर्च करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करते। और जहाँ ठाकुर जी को विषय आयो, उनकी अर्चना को समय आयो, उनकी सेवा को समय आयो, तो वहाँ एक एक गिन गिन के रखेंगे। तो उसको वित्त साठ्य दोष कहा गया है। तो यदि उपलब्ध है सामग्री तो उदार मना होकर के, उदार चेता होकर के अर्चन किया जाए, और यदि कोई उपलब्ध नहीं है तो किसी से याचना नहीं करनी चाहिए। मानस अर्चन, मानस भाव भी वैष्णव धर्म में सिद्ध हो जाते हैं। तो अर्चन दो प्रकार का, वंदनम, यह भी भक्ति का एक अंग है। प्रणिपात ठाकुर के चरणों में करना, दंडवत करना, वंदन करना, प्रणाम करना। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा भवर्तेन तुल्या, दशाश्वमेधी पुनरेत जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। अश्वमेध यज्ञ करते हैं, पुराने क्षत्रिय लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे, कितना बृहद यज्ञ होता था। लेकिन ऐसा अश्वमेध यज्ञ श्री ठाकुर जी के चरणों में हमने प्रणाम कर लिया, वंदन कर लिया, तो ऐसे 10 अश्वमेध भी वह वंदन की तुलना ना कर सकते। क्योंकि दशाश्वमेध ही पुनरेत जन्मा, जिसने 10 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, 10 तो क्या, इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ करके व्यक्ति इंद्र बनता है, 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद पर अधिष्ठित होता है, उसका भी पुनर्जन्म होता है। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, उसको पुनः इस भवाटवी में नहीं आना पड़ता। पितामह भीष्म इस श्लोक को महाभारत में कहते हैं। तो ठाकुर के चरणों में वंदन करना, अथवा श्री सुखदेव जी द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में जहाँ स्तुति करते हैं, यत कीर्तनम यस्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यच्छ्रवणम यदहरणम लोकस्य सद्यो विदनोत किलविषम तस्मै सुभद्रस सर्वसे नमो नमः। यत कीर्तनम, जिनका कीर्तन कर लिया जाए, यत श्रवणम, कथा श्रवण कर ली जाए, यदीक्षणम, उनका दर्शन कर लिया जाए मंदिर में जाकर के, यद वंदनम, उनका वंदन प्रणाम कर लिया जाए, तो लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम, यह जो अंग हैं भक्ति के, एक एक अंग अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि लोकस्य यानी जो करने वाला है, वंदन कर रहा है, श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो उसके सद्यो विधनोति कल्मसम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। सद्य माने वायु क्षण, उसके समस्त क्लेशों को, समस्त कल्मसों को, समस्त पापों को वह नष्ट कर देता है। तो अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्य भाव से प्रभु की अर्चना करना, जैसे एक सेवक होता है
उसकी समस्त चेष्टाएं, उसके प्रत्येक क्रिया स्वामी के लिए होती है। स्वामी की आदेश की प्रतीक्षा में तत्पर रहता है और जो कुछ भी करता है वह स्वामी के निमित्त, उसका चिंतन स्वामी के हित में, उसकी क्रियाओं का अर्पण स्वामी के लिए। तो ऐसे ही वह भक्त जो कुछ भी करता है वह भगवान के लिए, उसका द्रव्यार्पण, उसका कर्मार्पण, जो भगवान ने गीता में कहा 9वें अध्याय में, यत करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृतम् अस्नामि प्रेतात्मनः। ठाकुर ने द्रव्यार्पण बताया, बोले जो कुछ भी आपके पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है तो याचना करके मुझे दो, नहीं, जो कुछ भी आपके पास है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वह मेरी संतुष्टि के लिए पर्याप्त है। पत्रम, पत्र कहते हैं एक पत्ते को, और ठाकुर की ऐसी उदारता, यहाँ किसी पत्र विशेष का नाम नहीं लिया। तुलसी जी को ही पत्ता चाहिए कि बिल्व पत्र ही चाहिए कि समी पत्र ही चाहिए, पत्रम कोई पत्र विशेष, और एक वचन का प्रयोग किया, पत्राणी नहीं कहा, पत्रम कहा। तात्पर्य ये जरूरी ना है कि 108 ही पत्ता चाहिए या 1008 ही पत्ता चाहिए, पत्रम एक पत्ता ही सही और वो कुछ भी सही। अरण्य में पांडव थे, सूर्य के द्वारा प्रदत्त वटलोई थी, जब तक द्रौपदी जी आहार ग्रहण नहीं करती थी उसमें से भोजन प्राप्त होता रहता था, और द्रौपदी जी आहार ग्रहण कर लेती थी उसके पश्चात उसमें से भोजन प्राप्त नहीं होता था। दुर्योधन की कुमंत्रणा से दुर्वासा जी अपने 10,000 छात्रों को लेकर के और उस अरण्य में युधिष्ठिर जी के समीप में पहुंच गए, बोले महाराज हमारा आतिथ्य करो, प्रभु ये तो बड़ी कृपा करी आप पधारे, अवश्य आप हमारा यह स्वीकार करें। दुर्वासा जी ने कही, अभी मध्यान्ह की वेला है, हम संध्योपासन आदि से निवृत्त होकर के आ रहे हैं और ये 10,000 छात्र हैं हमारे साथ में, यानी चलता फिरता विश्वविद्यालय उनके साथ रहता था, 10,000 छात्र। हम जमुना जी में अभी मध्यान्ह कृत्य संपन्न करके आ रहे हैं, जब तक व्यवस्था कर लेना। अब युधिष्ठिर जी इधर चिंतित हो गए कैसे व्यवस्था की जाए, और महाराज जी को गुस्सा तो प्रसिद्ध है, दुर्वासा बाबा की तो नाक पे गुस्सा धरी रह गए, कहीं क्रोध कर दियो, कोई साप दे दियो तो सब गड़बड़ है जाएगा। इधर द्रौपदी जी भी चिंतित थी, द्रौपदी जी ने प्रभु को ध्यान किया तो जैसे ही स्मरण किया ठाकुर वहां पर प्रकट हो गए, और प्रकट होते ही यहाँ से पहले द्रौपदी अपनी समस्या को बता पाती, वहां से पहले बोले, बोले हमें भूख लगी है कि जो खाएवे को दे दो। अरे महाराज यह समस्या के निराकरण के निमित्त ही तो आपको बुलायो और आप वो भूखे ही चले आए, महाराज यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, दुर्वासा जी पहले से 10,000 छात्रों को लाकर के यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। बोले नहीं द्रौपदी कुछ तो होगा, बहुत भूख लगी है। महाराज कुछ नहीं है, अच्छा उस पात्र को लाओ जिसमें तुमने प्रसाद पाया है। पात्र को लाए तो उसमें जो साक आदि बनाया था उसका कोई एक पत्र वहां में चिपको भयो, वाई पत्र को पाएके और अनेन इससे विश्व की समस्त आत्माएं तृप्त हो जाएं, ऐसा संकल्प किया तो सब इधर दुर्वासा जी के शिष्य और दुर्वासा जी जो
जमुना जी में स्नान कर रहे थे, सबको डकारा आवे लग गई। एक शिष्य बोलो, बोले गुरु जी आज कुछ ऐसा लगता है कि कुछ भोजन की इच्छा नहीं है, एकदम पेट भरा भरा सा लगता है। गुरु जी ने कहा ऐसा ही कुछ हमको भी लग रहा है, लेकिन उधर पांडवों ने भोजन बना लिया होगा, हम भोजन नहीं पाएंगे, प्रसाद का तिरस्कार होगा, अपराध लग जाएगा, यहाँ से अच्छा है यहीं से चुपके से निकल लो। इधर ठाकुर ने कही भीम से, बोले दादा जाओ बुला के लाओ महाराज जी को। बोले भैया का जो व्यवस्था तो है ही ना है। बोले व्यवस्था तो हमने कर दी पहले ही। अब इधर भीम गए, उधर दुर्वासा जी 10,000 छात्रों के साथ में जा रहे हैं। भीम भैया ने आवाज लगाई, अरे महाराज जी प्रसाद तो पा के जाते। दुर्वासा जी ने कहीं बात ना है भैया, प्रसाद की बिल्कुल इच्छा है ना है। अरे महाराज जी कुछ तो ग्रहण करके जाते। बोले ना है प्रसाद वरसाद कछु ग्रहण ना करेंगे, तो को आशीर्वाद चाहिए, हम ऐसे ही आशीर्वाद दे रहे हैं, तेरे शत्रु उनको नाश है जाए। दुर्योधन ने तो भेजा था कि पांडवों का यह साप आदि के द्वारा नाश कर जाएंगे, लेकिन विपरीत। तो वहां ठाकुर ने एक पत्र स्वीकार किया था, पत्रम पत्रम पुष्पम। पुष्प में भी किसी पुष्प विशेष का नाम नहीं दिया यहाँ पर, कि कमल को ही फूल चाहिए, कि गुलाब को ही फूल चाहिए, कि गेंदा को ही पुष्प चाहिए, किसी पुष्प विशेष का नाम नहीं। और उसमें भी एक वचन है, बहुवचन नहीं है, कि 1,000 फूल ही चढ़ाओ अथवा 108 ही फूल चढ़ाओ, ना कोई आवश्यकता ना। पत्रम पुष्पम, कोई एक पुष्प चढ़ा दो, कोई भी पुष्प ला करके चढ़ा दो। जैसे गजराज ने आर्त भाव से जब ठाकुर को पुकारा, ठाकुर जी आए, उस समय अन्य कोई सामग्री तो वहां पर विद्यमान थी नहीं, वहीं उस सरोवर में एक कमल पुष्प था, उसी को उखाड़ करके ठाकुर के चरणों में समर्पित कर दिया। ठाकुर ने उसको स्वीकार कर लिया। पत्रम पुष्पम फलम, यहां भी कोई फल विशेष का नाम नहीं है और एक वचन का प्रयोग है। सबरी मैया ने बद्री फल निवेदित कर दिए, ठाकुर उनसे संतुष्ट हो गए। तो यम, जल विशेष का नाम नहीं है कि गंगा जल ही होना चाहिए या यमुना जल ही होना चाहिए। तो यम जल ठाकुर को समर्पित कर दें, लेकिन शर्त है कि भक्तिया थोड़ी भावुकता से युक्त होकर के, भक्ति से युक्त होकर के वह समर्पित की हो जाए। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपर्यतम अस्नामी प्रयतात्मना। उसको मैं अस्नामी, उसको मैं खाता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो यह जो द्रव्यार्पण हुआ, जो वस्तु आपके पास विद्यमान है ठाकुर के निमित्त वाकु समर्पित कर दियो। यह जो भक्ति का सप्तम अंग है दास्यम, द्वितीय कर्मार्पण होता है, जो कुछ कर रहे हैं। जैसे एक सेवक कार्य करता है अपने स्वामी के लिए, भगवान ने गीता में कहा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विमां वचा। 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा कि जो भी कर्म कर रहे हो ब्रह्मण्याधाय, वा को आधान वा को समर्पण मुझ में होना चाहिए। शंकराचार्य जिसका भाष्य करते हैं कि वृत्त्यः इव, जैसे वृत्त्य माने जैसे सेवक, जैसे नौकर काम करता है, तो वह काम कौन के लिए कर रहा है? अपने स्वामी के लिए। मत कर्म कृण मत परमो मद भक्त संग वर्जिता, 11वें अध्याय में अंतिम श्लोक में कहते हैं मत कर्म कृण मत परमा, मेरे लिए कार्य कर, इतर कार्य करोगे ठाकुर को समर्पण ना करोगे तो वह कर्म बंधन के हेतु बन जाएंगे, और वही कार्य श्री ठाकुर जी के लिए किया जाए
तो वह भागवत धर्म बन जाए। वो उसी कार्य को हम अपनी देह की दृष्टि से, दुनिया की दृष्टि से, संबंधियों की दृष्टि से कर रहे हैं तो वह एक सामान्य कर्म बन गया और वह बंधन का हेतु बन गया। और वही कार्य हमने ठाकुर को समर्पित कर दिया तो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक गीता में यज्ञ यानी यज्ञो वही विष्णु श्रुतियों में कहा गया, यज्ञ साक्षात विष्णु है। तो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, उस यज्ञ से यानी ठाकुर से इतर उनको समर्पित न करके अपने शरीर के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन आदि के लिए जो कार्य किया होगा वो बंधन को हेतु है। और वही कार्य ठाकुर के निमित्त किया गया तो एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय में जहाँ भागवत धर्म का निरूपण किया गया, निमि महाराज ने पूछा भागवत धर्म क्या है, तो योगेश्वर, प्रथम योगेश्वर कवि महाराज कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मन वानुसृतस्वभावा करोत यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। किसी कर्म विशेष का यहाँ पर नाम नहीं लिया। कायेन शरीर से आप जो कर रहे हो, गमनागमन कहीं आ जा रहे हो अथवा अन्य कोई कार्य कर रहे हो, कायेन वाचा वाणी से जो कुछ बोल रहे हो, भाषण आदि कर रहे हो, मनसेन्द्रिय वा मन से जो चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, आज यह करना है, यह कार्य अभी अवशिष्ट है इसको मुझे करना है, इंद्रियों से जो कार्य कर रहे हो, अथवा वानुसृत स्वभावात, अनुसृत स्वभावात यानी केवल विहित कर्म ही, यहाँ पर विहित कर्म का ही विधान नहीं किया गया अपितु अनुसृत स्वभावात, जैसो जाको स्वभाव है वह स्वभाव के अनुरूप जो कार्य कर रहा है। गीता में ठाकुर कहते हैं यत करोसि यदस्नासि, किसी कर्म विशेष को यहाँ पर नहीं लिया गया। यत मानी जो करते हो, यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददास्यत, जो करते हो वही यहाँ पर दिया गया। एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय में वानुसृत स्वभावात, अपने स्वभाव के अनुरूप जो करते आ रहे हो, लेकिन नारायणायति समर्पयेत् करोत यद्यत् सकलं परस्मै, जो कर रहे हो वो ठाकुर को समर्पण कर दें तो वह नारायणाय इति समर्पयेत्, वह भागवत धर्म हो जाएगा। प्रतिदिन स्नान करते हैं, स्नान में यह भावना के इससे मैं सुंदर लगने लग जाऊं, अच्छा लगने लग जाऊं, मालिन्य निवारण के लिए स्नान कर रहा हूं, शरीर स्वस्थ रहेगा, यह एक सामान्य भाव हो गया। और इसी में मुझे ठाकुर जी के मंदिर में जाना है, ठाकुर जी की अर्चना करनी है, उनकी पूजा करनी है, शरीर स्वस्थ रहेगा, शुद्ध रहेगा, तभी ठाकुर की सेवा कर पाएंगे। शुद्ध शरीर से ही ठाकुर की सेवा होनी चाहिए, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। इस भाव से स्नान किया तो वह स्नान करना भी आपका भागवत धर्म बन गया। घर में भोजन बनाती है महिलाएं, उस भोजन बनाने में यह भाव है कि इसको मैं पाऊंगी, मेरा पतिदेव पाएगा, मेरे बच्चे पाएंगे, मैंने बच्चों के लिए बनाया है, मैंने घर वालों के लिए बनाया है, यह सामान्य कर्म हो गया। और इसी में यदि यह भाव हो गया कि ठाकुर का भोग लगाना है और हम लोग तो ठाकुर का प्रसाद ग्रहण करेंगे, ठाकुर के सेवक हैं तो सेवक को कार्य स्वामी के प्रति रहवे, हम श्री ठाकुर जी के सेवक हैं और ठाकुर जी के लिए यह भोग हमने बनाया है, वह इसको पाएंगे, तो क्रिया वही थी। उसमें यदि यह भाव आ गया कि अपने लिए बना रहे हैं तो सामान्य कर्म हो गया,
और उसी में यदि यह भाव दृढ़ीभूत हो गया कि हम ठाकुर को निवेदन करने के लिए उनके लिए यह सामग्री बना रहे हैं, यह भागवत धर्म हो गया। तो कायेन वाचा मनसिन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना भानुसृत स्वभावात् करोद यद यद सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेतत्। जो कुछ भी कर रहे हैं वो श्री ठाकुर जी को समर्पित कर देंगे, तो एक तो वह कर्म बंधन हमको नहीं लगेगा और दूसरा वह समर्पित कर्म है वो श्री ठाकुर जी के चरणों में हमको दृढ़ारति प्रदान कर देगा। जो बंधन का हेतुभूत कर्म था जिससे हम बांधे जा रहे थे, तीन प्रकार के जो कर्म होते हैं, क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध, ये तीनों बांधने, तीनों में हम बंधे भए हैं। अनंतानंत जन्मों में जो कर्म हमने किए वह सब कर्म संचित हो गए, एकत्रित हो गए। संचित कर्म का एक भाग हमको भोगने के लिए इस शरीर में दे दिया, यानी संचित कर्म में से एक भाग मिला जिसके तीन भेद हुए, जाति, आयु, भोग। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि, एक भाग जो मिला वह प्रारब्ध के रूप में आया और उसके तीन भेद हुए, जाति यानी किस योनि में हमको जन्म लेना है, आयु कितनी अवधि तक हमको इस योनि में रहना है, और भोग कितना सुख प्राप्त करना है, कितना दुख प्राप्त करना है। तो यह तीन बंधन हमारे भय, प्रारब्ध कर्म का बंधन, संचित का बंधन और क्रियमाण माने वर्तमान में जो कर रहे हैं इसका बंधन। तो तीनों से कैसे छूटा जाए, प्रारब्ध के बंधन से, संचित के बंधन से, क्रियमाण के बंधन से? तो बोले संचित कर्म जो है, संचित कर्म की जो राशि है उसको तो हम लोग उपासना से दग्ध कर सकते हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा चतुर्थ अध्याय में, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञानाग्नि से सभी कर्म दग्ध हो जाते हैं, लेकिन इसकी टीका करते समय श्री चक्रवर्ती जी ने और श्री शंकराचार्य जी ने लिखा कि अनारब्ध कर्माणि, सर्वकर्माणि की जो टीका की वो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका है सारार्थ वर्षिणी, गीता पर बहुत उत्तम टीका है, और श्री शंकराचार्य जी को भाष्य। तो दोनों महापुरुषों ने लिखा, बोले सर्वकर्माणि इत्युक्ते अनारब्ध कर्माणि, जो कर्म अभी आरंभ नहीं हुए हैं उन कर्मों को आप ज्ञानाग्नि से दग्ध कर सकते हो, जो आरब्ध हो गए प्रारब्ध के रूप में परिणित हो गए उनको ज्ञानाग्नि से दग्ध नहीं कर सकते। तो प्रारब्ध संचित कर्म को ज्ञानाग्नि से दग्ध कर दिया, प्रारब्ध कर्म को भोग कर दग्ध कर दिया। वो तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाषुभम, जो प्रारब्ध के रूप में परिणित हो गया उसका क्षपण उसको तो भोग के द्वारा ही नष्ट किया जाएगा, उससे अपना संबंध विच्छेद भोग के द्वारा ही संभव है। उदाहरण से समझिए, जैसे एक धनुर्धर योद्धा है, उसके पास बाण है, एक तो तरकस है उसके समीप में, तरकस में बाण भरे पड़े हुए हैं, एक बाण उसने धनुष पर चढ़ा लिया है, तो जो तरकस में जो बाण है यह हुए संचित, हमारे संचित कर्म जो इकट्ठे रखे हुए हैं, तो तरकस को अभी वह उतार करके फेंक सकता है, उसके अधिकार में, तरकस के बाणों से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। उसी प्रकार संचित कर्मों को हम दग्ध कर सकते हैं उपासना से। दूसरा, एक बाण को उसने धनुष पर चढ़ा लिया है,
तो यह भी उसके हाथ में है कि मुझे किधर इस बाण को छोड़ना है, किधर मेरा शत्रु पक्ष है, किधर मेरा मित्र पक्ष है। तो यह हुए क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म को सावधानी से किया जाए, ठाकुर ने विवेक दिया है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, यह 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में उस क्रियमाण कर्म को ठाकुर जी के समर्पित कर दो, जिसको कर रहे हैं आप वर्तमान में, तो क्रियमाण कर्म का भी बंधन छूट गया। संचित का बंधन उपासना से छूट गया, क्रियमाण का असंग भाव से ठाकुर जी को समर्पण कर दिया तो उसका बंधन छूट गया। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिमांसा। प्रभु कहते हैं गीता में 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि जो अपने समस्त कर्मों का आधान ब्रह्म में यानी मुझ परमात्मा में, मुझ ईश्वर में कर देता है, तो लिप्यते न स पापेन, वह उस क्रियमाण कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। पद्म पत्र मीमां बसा, जैसे पद्म पत्र माने कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही वह साधक कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है, कर्म करते हुए भी कर्म से निर्लिप्त रहता है। तो यह क्रियमाण कर्म से मुक्ति हो गई। तो वह धनुर्धर योद्धा ने जिस बाण को धनुष पर चढ़ा लिया वह अभी उसके हाथ में। तीसरा, उस योद्धा की तीन स्थितियां हैं, बाण की तीन स्थितियां हैं। एक तो तर्कस में अवस्थित है, वह संचित हो गया, एक धनुष पर भी उसने चढ़ाया है या क्रियमाण हो गया, और तीसरा सामने देखा कि व्याघ्र है, और व्याघ्र बुद्धि से उसने बाण को छोड़ दिया, और बाण को छोड़ने के बाद में पता चला कि वह तो गऊ है। अब वह रोकना भी चाहे उस बाण को तो बाण को नहीं रोक सकता, क्योंकि वह बाण छूट चुका है, वह तो अपनी गति को पूरा करके ही रुकेगा। तर्कस के बाणों से संबंध विच्छेद कर दिया, जो चढ़ाया हुआ है धनुष पे उसको भी विवेक से कहा मुझे छोड़ना है, संबंध विच्छेद कर दिया, लेकिन जिसको छोड़ चुके वह तो अपनी गति को पूरा करके ही रुकेगा। तो यह छोड़ा हुआ बाण है प्रारब्ध, तो प्रारब्ध की जो गति है वो तो अपनी गति को पूर्ण करके ही रुकेगा। तो इसको प्रारब्ध को अवश्यमेव भोक्तव्यम। प्रारब्ध में दो प्रकार के कर्म आते हैं, शुभ कर्म, तो शुभ कर्मों को, क्योंकि शुभ कर्म भी बंधन के हेतु हैं, सकाम कर्म, बंधन चाहे लोहे की जंजीर से हो चाहे सोने की जंजीर से हो, बंधन तो बंधन नहीं है। तो सकाम कर्म जो भी किए पुण्य आदि, तो उन कर्मों के बंधन को क्षीण कैसे करेंगे, उनके फलस्वरूप जो सुख प्राप्त होंगे, और जो पाप कर्म किए तो उनके फलस्वरूप जो दुख प्राप्त होंगे। तो सुख भोग करके उन शुभ कर्मों को क्षीण कर दिए और दुख भोग करके उन अशुभ कर्मों को क्षीण कर दिए। तो इस प्रकार से अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उन शुभाशुभ कर्मों को भोग करके हमने क्षीण कर दिया, तो तीनों प्रकार के कर्मों से हम मुक्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य, जो क्रियमाण कर्म है वह बंधन का हेतु नहीं बनेगा यदि ठाकुर जी को समर्पित भाव से हम करेंगे। तो दास्यम, जो भक्त होता है उसका प्रत्येक कर्म श्री ठाकुर जी के लिए समर्पित होता है, सेवक की भांति नौकर की भांति वह ठाकुर के लिए कार्य करता है। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके हैं घर जाए चाकर। श्री व्यास जी को पद प्राप्त हो गए कि श्री जुगल किशोर जी हमारे ठाकुर हैं, हमारे स्वामी हैं, और हम तो सदा सर्वदा इनके जन्म जन्म के घर जाए चाकर हैं, हम तो इनके सेवक हैं, यह हमारे स्वामी हैं।
चूकि परे परे हरे न कबहूँ सबही भांति दया के आकर। और ऐसो स्वामी मिलवो कठिन है, दुनिया में ऐसे स्वामी ना मिलेंगे। दुनिया में किसी को मालिक बनाओगे, यदि थोड़ी सी भी गलती हो गई तो एकदम आग बबूला हो जाएंगे। लेकिन हमारे स्वामी चूक परे परे हरे न कबहूँ, हम तो अनजान सेवक हैं, सेवा धर्म हमसे नाए बने। जो भी टूटी फूटी सेवा बन जाए और कोई भूलव हमसे है जाए, तो चूँ के परे परे हरे न कबहूँ, वो कभी छोड़ते नहीं हैं अपने सेवक को, त्यागते नहीं हैं। सब ही भांति दया के आकर, पूरे दया के भंडार हैं, सागर हैं, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। तो इस वृत्त भाव से ठाकुर को कर्मार्पण किया जाए तो दास्य भक्ति हो जाए। सख्य भक्ति, सख्य यानी एक मित्रता का भाव, सखा का भाव। सख्य भाव में विश्वास की प्रधानता होती है, अपने मित्र के प्रति एक विश्वास, दृढ़ विश्वास। जैसे श्री रूप गोस्वामी जी उदाहरण दिए, दो मित्र थे, कहीं जा रहे थे वन प्रदेश में, श्रांत हो गए। तो एक मित्र ने कही कि मित्र मैं विश्राम करना चाहता हूँ। अच्छा भाई, तो 3 घंटे तुम विश्राम कर लो जब तक मैं बैठा हूँ सुरक्षा में, और उसके बाद मैं विश्राम करूँगा, तुम बैठ जाना। बोले ठीक है। तो प्रथम मित्र था वह लेट गया दूसरे मित्र की जंघा पे सिर रख करके। जब वह गाढ़ निद्रा में पहुंच गया तो उस समय एक सर्प आया, और सर्प ने मित्र को दंशन करना चाहा। तो द्वितीय मित्र जो बैठा हुआ था उसने कहा, अरे भाई तुम मेरे मित्र को दंशन क्यों कर रहे हो? बोले मेरा इससे पूर्व का कुछ शत्रुता का संबंध है, मैं इसका रक्त पीऊंगा। तो जो मित्र जाग रहा था उसने कहा कि यदि मैं ऐसे ही तुमको इसका रक्त दे दूं तो छोड़ दोगे? बोले हाँ, मुझे तो केवल इसका रक्त चाहिए। तो जो जाग रहा था उस मित्र ने सोचा, यदि ये सर्प मेरे मित्र का दंशन कर लेगा तो मेरे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, इससे अच्छा है मैं ऐसे ही कुछ रक्त निकाल करके इसको दे दूं, इससे चला जाए, मेरे मित्र की जान तो बच जाएगी। तो जो जाग रहा था उस मित्र ने अपनी जो कटारी निकाली और मित्र का रक्त निकालने लग गया। उसकी नींद खुली, देखा कि उसकी तलवार मेरी गर्दन पे है, लेकिन देखा मेरा मित्र ही तो है, फिर आंख बंद करके सो गया। और उसने रक्त निकाल करके सर्प को दे दिया, सर्प उस रक्त को पी करके चला गया। लेकिन प्रथम मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, जब वह जगा तो मित्र ने पूछा कि मित्र मैंने तलवार तुम्हारी गर्दन पर रख दी और तुमको किसी प्रकार का भय नहीं हुआ, तुम तो फिर निश्चिंत होकर के सो गए। बोले भय किस बात का, आखिर तुम हो तो मेरे मित्र ही, मुझे पता है मेरा मित्र जो करेगा वो मेरे हित में करेगा, मेरा मित्र जो करेगा वह मेरे हित में ही करेगा, मेरा अनहित तो कभी कर ही नहीं सकता, यह दृढ़ विश्वास। तो ऐसे ही जो हमारे ठाकुर करेंगे, क्योंकि वह सर्व सुहृद हैं। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। सभी प्राणियों का, चाहे वह ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, चाहे महिला है, पुरुष है, बालक है, पशु है, पक्षी है, सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों का मैं एकमात्र सुहृद हूँ। सुहृद यानी प्रत्युपकार निरपेक्षतया उपकारणम, प्रत्युपकार की अपेक्षा न रखते हुए उपकार करना, यह सुहृद का लक्षण होता है। तो ऐसा मैं सुहृद हूं प्राणी मात्र का। पूज्य श्री राधा बाबा 4 वाक्य कहते थे कि ठाकुर जी
सर्व सुहृद हैं, सभी के हितैषी हैं, यानी ऐसो भाव हृदय में दृढ़ता से हो कि वह जो करेंगे सो अच्छो ही करेंगे, और वह सर्वज्ञ हैं, रोवे गावे की जरूरत ना है, को थोड़ी सी आपत्ति विपत्ति आ गई रोवे गावे लग गए, वह सब जाने, उनको सब पता है। जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख कर कहा कहो रे, जैसे राखो वैसे रहो रे, सूरदास जी को पद है। कबहू का भोजन लहो कृपा निध, कबहू का भूख सहो रे, कबहू का चढ़ो तुरंग महागज, कबहू का भार बहो रे, सूरदास जी कहते हैं ए नाथ आप जैसे राखोगे हम तो वैसे रहेंगे, क्योंकि पतो है हमें आप जो भी करेंगे हमारे हित के लिए ही करेंगे। कबहू का भोजन लहो कृपा निध, कभी कभी तो इतना विपुल मात्रा में प्रसाद भोजन प्राप्त हो जाता है, और कबहू का भूख सहोरे, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि दो चार दिन भूखा भी रहना पड़ जाए। कबहू का चढ़ो तुरंग महागज, कबहू का भार बहोरे, कभी कभी कोई राजा रजवाड़ा आ गया तो इतना सम्मान देता है, माला पहना दी और हाथी पे बिठा करके ले जा रहा है, और कहीं कोई दुष्ट नास्तिक आ गया और उसने कहा ए बाबा कहाँ जा रहा है, चले मेरी पोटली अपनी टाट पे रख के मेरे घर पहुंचा दे, तो कबहू का भार सहोरे। जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख कर कहा कहो रे, आप सर्वज्ञ हैं, अब आपसे अपने मुंह से क्या कहें कि ये दुख आ गया, ये विपत्ति आ गई, ये सुख। श्री ठाकुर जी सर्वज्ञ हैं, सर्व सुहृद हैं, सर्वज्ञ हैं, और काई ऐरे गैरे के सामने याचना करने की जरूरत ना है, वह सर्व समर्थ हैं, किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आ जाए उन विपत्तियों के निवारण में वह सर्व समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो सर्व सुहृद हैं श्री ठाकुर जी, सर्वज्ञ हैं और सर्व समर्थ हैं। और चतुर्थ बिंदु, ऐसा नहीं कि वह केवल मंदिर में ही हो, एक देशीय ही हो, नहीं, वह सर्वत्र हैं, वह सर्व सुहृद हैं, सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं और सर्वत्र हैं, कहीं एक स्थान पर नहीं, जहाँ कहीं भी बुलाएंगे, जहाँ कहीं भी पुकारेंगे वहाँ ठाकुर आए कहें और अपने भक्तन को परिरक्षण करें। तो यह विश्वास, यह अष्टम अंग हुआ भक्ति का, सक्षम और आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का तात्पर्य है अपने आप को ठाकुर के समर्पित कर दियो, प्रिया शरीर की चिंता आदि से रहित हो जानो, योगक्षेम की चिंता से रहित हो जानो। जैसे कोई किसान है गैया अपने पास में रखे, श्रीधर स्वामी जी ने उदाहरण दियो, आपके पास गैया आई, बड़ी सुंदर गैया आई, जब तक गैया आपके घर में रही आप गैया की प्रतिदिन सेवा करते, वहाँ के चारे पानी को ख्याल रखते, कब गैया को चारा देना है, कब पानी पिलाना है। अब गैया कुछ दिन बाद आपने बेक दी, दूसरा जो कोई साधु सज्जन था उसके घर पे बेक दी, अब गैया की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है या वो सज्जन की है जिनको बेकी है? आपने जिनको बेक दी उन सज्जन की जिम्मेदारी है अब गैया की रक्षा करना, गैया की देखभाल करना। आप तो एकदम चिंता से मुक्त हो गए, तो जैसे उस गाय की जिम्मेदारी जो क्रेता था यानी जो खरीदने वाला था अब उस पर चली गई, और पहला जो स्वामी था उसकी कोई टेंशन नहीं रही, ऐसे ही जब आत्मनिवेदन कर दिया तो योगक्षेम की चिंता, शरीर की चिंता अब जिनको समर्पण कर दियो, ये चिंता भी अब वही करेंगे। सभी प्रकार की चिंता आदि से, योगक्षेम आदि की चिंता से रहित हो जाना, जो भगवान गीता में 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, अनन्यास चिंतियंतो माम ये जना पर्योपासते
तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ऐसे लोगों का योगक्षेम मैं बहन करता हूं जो अनन्यास चिंतयन्तः, अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर रहे हैं, यानी अन्यत्र कहीं भी जिनका मन जा ही नहीं रहा, शरीर में संसार में अन्यत्र कहीं भी जिनका मन नहीं जा रहा, सदा सर्वदा मेरा ही चिंतन करने में लगे हुए हैं, तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। उस प्रकार से अनन्य चिंतन करते हुए और जो मेरी उपासना कर रहे हैं तो तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उन ऐसे महत्पुरुषों का, ऐसे भक्तों का योगक्षेम, योग माने जो वस्तु उनके पास उपलब्ध नहीं है उस वस्तु को उपलब्ध कराता हूँ, और क्षेम यानी जो वस्तु उनको प्राप्त हुई है उसका परिरक्षण भी करता हूँ। तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। वहन करना यानी अपनी टांट पर रखें, उनके लिए सामग्री ले जाऊं, उनको ध्यान रखूं। यहां पर ठाकुर जी ददाम्यहम् इस क्रियापद का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन देता हूं इस क्रियापद का प्रयोग नहीं किया। वहां यानी ढोता हूं, स्वयं अपने सिर पर रख करके उनके लिए मैं उनकी जो आवश्यक सामग्रियां हैं उनको पहुंचाता हूं, उनका योगक्षेम करता हूं। जगन्नाथ मिश्र बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े महात्मा हुए, महाभारत की टीका लिख रहे थे। वह ब्राह्मण अयाचक वृत्ति से रहते थे, कहीं याचना नहीं करते थे, घर में गरीबी थी, खाने पीने के लिए भी बड़ी समस्या आ जाती थी कभी कभी, लेकिन बड़े संतोषी ब्राह्मण थे। जब महाभारत की टीका वह लिख रहे थे और महाभारत के अंतर्गत जब गीता जी की टीका लिखने लगे तो उसमें जब यह 9वें अध्याय का 22वां श्लोक आया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ जो मेरा चिंतन करते हैं, तो उनके मन में विचार आया कि ठाकुर मैं भी तो इतने दिनों से लगा हुआ हूँ चिंतन मनन आदि, लेकिन ये वहाम्यहम् यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। अरे कोई राजा होता है, राजा किसी से प्रसन्न होता है तो अपने सिर पर रख करके उसको पुरस्कार देने थोड़ा ही जाता है, किसी सेवक के द्वारा सामग्री भिजवा देता है। तो ठाकुर जी तो तीन लोक के नाथ हैं, अपने सिर पर रख करके क्यों लाएंगे, किसी देवता से कह देंगे जाओ भाई हमारे भक्त के यहाँ ये कमी है ये व्यवस्था कर दो, किसी अन्य सेवक से कह देंगे। तो वहाम्यहम् इस क्रियापद के स्थान पर उन्होंने पेन से काट करके और ददाम्यहम्, छंद भंग भी नहीं हुआ, ददाम्यहम् लिख दिया। अब इधर नदी के तट पर वह गीता लेखन में तत्पर थे, इधर श्री ठाकुर जी बाल स्वरूप बना करके, सुंदर मनोहर बालक को रूप बना करके, और अपने इस वाक्य को, क्योंकि गीता ठाकुर का हृदय है, भगवान ने कहा गीता में हृदयम पार्थ, यह गीता कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, यह मेरा हृदय है। जैसे हृदय के भावों को अपने किसी विशेष प्रिय के प्रति कहा जाता है, ऐसे ही अर्जुन तुम मेरे विशेष प्रिय हो, सखा हो, भक्त हो, इसलिए तुम्हारे प्रति मैंने अपने हृदय के भाव प्रकट कर दिए। तो इधर पंडित जी ने उस वाक्य पर रेखांकन किया पेन से, लेखनी से, इधर ठाकुर अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के निमित्त जो भी सामग्री थी, आटा दाल चीनी आदि, वह सब सामग्री अपने सिर पर रख करके पोटली में और पंडित जी के घर पे पहुँचे। इतना सुंदर बालक, इतना मनोहर बालक, श्याम वर्ण। अब घर पे पंडित जी तो थे नहीं, ब्राह्मणी थी उनकी धर्म पत्नी,
उन्होंने देखा, अरे राम जी इतना सुकुमार बालक इतना भार ढो करके ला रहा है। अरे लाला इतना भार? बोले हाँ मैया, मैं आप ही के निमित्त लाया हूँ। अरे राम जी तो तुम इतना कष्ट भयो, मैया ने उतार लियो भार और देखो तो बालक के जो बक्ष यानी छाती पर रक्त की धारा बह रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने थोड़ा सा काट दिया हो, रक्त की धारा निकल रही थी। तो ब्राह्मणी ने पूछी, अरे लाला तू इतना सुकुमार इतना मनोहर बालक है, कि तेरी छाती पे कौन है ये मार दियो? ना मैया नेक मोकू दे रह गई ये सामग्री लाइवे में, तो पंडित जी ने नेक पीट दियो। कछु थोड़ी सी देर हो गई मैं को, या सामग्री तो बहुत पहले ही लानो चाह रहा हो, तो विलम्ब है गयो तो नेक पंडित जी ने थोड़ा सा पीट दियो मोकू। अब तो मैया बिगड़ गई, राम जी ये तो कितने दयालु थे और कितने अच्छे थे, इनकी इतनी क्रूरता कब से इनके हृदय में आ गई, आने दो घर में इनकी जब क्लास लगाऊंगी। अब शाम की वेला में पंडित जी अपनो लेख लिखे आए और उसी भाव से, तो इधर तो ब्राह्मणी कोप में बैठी थी, बोले आप इतने कठोर भी होंगे या कि मैंने कल्पना भी नहीं करी। अरे देवी क्या हो गया, रोज तो आती बड़ा स्वागत करती थी, आरती उतारती थी, पूजा करती थी, आज तो बागबाणों से हमारी आरती उतार रही हो, ऐसी बात कह गई? बोले कितना सुंदर बालक था, कितना मनोहर बालक था, अरे थोड़ा सा विलम्ब हो गया तो क्या आपत्ति है इसमें, और आपने उसको इतना पीटा कि बेचारे की छाती से खून बह रहा था। पंडित जी की समझ में कुछ नहीं आया, अरे देवी ये आप क्या कह रही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बोले वह बालक, इतना छोटा सा बालक अपने सिर पर इतनी सामग्री रख करके हमारे लिए लाया, देखो पूरा घर भर गया और उसकी छाती से खून निकल रहा था, उसने कहा कि थोड़ा सा विलम्ब हो गया इसलिए पंडित जी ने पीट दिया। तो पंडित जी की आंखों से तो अजस्र अश्रु धारा प्रवाहित होने लग गई। अरे वह बालक कोई सामान्य नहीं था, स्वयं ठाकुर थे। उन्होंने कहा है कि गीता मेरा हृदय है और गीता पे मैंने लेखनी चला दी, यानी उनके वाक्य को काट दिया, तो वाक्य को काटना यानी उनके हृदय को काट दिया। तो योगक्षेमं ददाम्यहं नहीं, सत्य कहा है, उनका वाक्य सत्य है, वो अपने भक्तों के लिए योगक्षेम वहन करते हैं, अपने सिर पर रख करके ढो करके सामग्री पहुंचाते हैं। तो तुरंत उन्होंने वह वाक्य बदला, बोले योगक्षेमं वहाम्यहं, यह ठाकुर की प्रतिज्ञा सत्य है। तो कहने को तात्पर्य, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन यानी ठाकुर जी को अपना समर्पण कर दियो, तो वाक्य बाद भक्त समस्त प्रकार की चिंता योगक्षेम आदि की चिंता से रहित हो जाए। तो इस प्रकार से सर्वस्व समर्पण ठाकुर को कर देनो या नवदा भक्ति है। तो प्रकरण तो दूसरा ही चल रहा था कि नवदा भक्ति में नाम की श्रेष्ठता और नाम में नाम अपराध से रहित होकर के नाम का आश्रय लेना। तो इस प्रकार से जो महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा था कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन या नवदा भक्ति है, और नवदा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ जो माना गया वह नाम संकीर्तन को माना गया, और वह भी निरपराध होकर के नाम का आश्रय ले लिया जाता है। तो नाम महाराज श्री ठाकुर जी के चरणों में रति प्रदान करने वाले होते हैं, श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रेमोदय हो जाता है। जय श्री राधे।